इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हमारा जो एक्स रिकॉर्डर है वो काम नहीं कर रहा है, एक्स रिकॉर्डर हैज़ नॉट वर्किंग। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे किया जाए इस वीडियो में हम बताएंगे। बेसिकली एक्स रिकॉर्डर जो है काम करता है या फिर उस काम करते करते जो है बीच में ही स्टॉप हो जाता है, या फिर काम ही नहीं करता, ओपन नहीं हो रहा, या फिर कभी कभार जो है वीडियो हमारी रिकॉर्ड होते होते वो बीच में ही स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स किया जाए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बेसिकली आपको एक्स रिकॉर्डर के कुछ तरीके बताता हूँ इसको फिक्स करने के लिए। सबसे पहला तरीका ये है, इसे आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर लिखना है एंड यहाँ पर चेक करना है इसका कोई अपडेट आया है क्या। यहाँ पर हमारे सामने इसका अपडेट दिखा रहा है तो आपको इसे एक बार जो है प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। इसे हम अपडेट कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अपडेट है वो मौजूद है, तो हमें इसे अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर अपडेट करते हैं फिर भी आपका जो काम नहीं कर रहा है एक्स रिकॉर्डर, उस केस में आपको करना है क्या है, अपने फ़ोन की सेटिंग को हम ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर ऐप्स एंड जो है एप्लीकेशन ऐप्स मैनेजर, जो डिफ़ॉल्ट ऐप इस तरह से लिखा आता है, किसी किसी फ़ोन में ऐप्स एंड मैनेजर होता है, किसी फ़ोन में एप्लीकेशन भी लिख कर आता है, ये फ़ोन के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन लिख कर आते हैं। लेकिन बेसिकली हमें एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है, मतलब ऐप्स ओपन करना है। यहाँ पर हमें सी मोर कर देता हूँ एंड यहाँ पर हमें एक्स रिकॉर्डर को ढूंढ लेना है। एक्स रिकॉर्डर को ढूंढ लेने के बाद यहाँ पर हमें इसका जो है स्टोरेज एंड कैचे दोनों को ही यहाँ से क्लियर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, यहाँ पर स्टोरेज और कैचे का है, तो दोनों को ही यहाँ से आपको हटा देना है एक एक करके। क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर कैचे, क्लियर डेटा वगैरह आपके फ़ोन में आता है इस तरह से लिख के, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपको करना क्या है, अपने एक्स रिकॉर्डर को ओपन करेंगे। एक्स रिकॉर्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी है, जिसमें एक ऑप्शन आपको देखा जाता है जिसमें लिखा आता है रिपेयर सिस्टम UI क्रैश। इसका बेसिकली मतलब ये होता है अगर आपका जो है किसी कारणवश, यानी अपनी डिवाइस के कारणवश आपका जो है एक्स रिकॉर्डर क्रैश हो जाता है, मतलब वो काम नहीं करता है, तो वो अपने आप रिपेयर कर हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ इस ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसे अलाउ करना है, यानी परमिशन इसकी अलाउ करनी है, मैंने ऑलरेडी की है, इसे आप टिक को ऑन करेंगे, ठीक है। इससे आपकी जो दिक्कत है वो नहीं आएगी, या फिर आती भी है तो एक्स रिकॉर्डर उसे अपने आप सॉल्व कर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।